नमस्कार, गुड इवनिंग 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश, और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, आज हमारे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं। ये हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं नन अदर देन वेरी टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर राजीव वी भल्ला। उनके साथ हमारी बातें होने वाली है उनके नए सॉन्ग के बारे में, चीले के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये गाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इस गाने को उन्होंने कंपोज किया है, लिखा है, एडिटिंग भी उन्होंने की है, लेकिन इस गाने को गाया है वेरी टैलेंटेड सिंगर बेनी दयाल ने। चलिए स्वागत करते हैं राजीव का। राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, कैसा रहा एक्सपीरियंस जिले का, प्लीज बताइए। कैसे हैं आप? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस, अगर हमारे साथ शेयर करें सर। यार, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा ये। आप जैसा जानते हैं कि बेनी इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं और बेनी इतने फंकी आर्टिस्ट हैं, तो अब जब उनके साथ गाना करने का मौका था तो मैंने वही सोचा कि यार, इनको बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही फंकी गाना देना पड़ेगा। एंड उसमें ये था कि मैं जो मेरी सोच है, मैं उसमें कैसे मिलाकर पेश करूं, तो बहुत मजा आया करने में ये। और मुझे मुझे बताना चाहेंगे सर, जब इस गाने के बारे में जब हो रही थी, जब मुझे खबर मिली है कि बेनी भी कई दिनों से प्लान कर रहे थे कि कुछ एक प्रोजेक्ट पे काम करें, आप दोनों एक साथ मिलकर दोबारा काम करें, और जब ये लॉकडाउन का वक्त शुरू हुआ उसके बाद से हमने देखा कि सब कुछ बंद सा होने लगा, लोग लो फील करने लगे, आपने इस गाने को उनको सुनाया, आपने कंपोज करके इसे सुनाया और उनको पसंद आया। उसका सर ये कैसे हुई, बेनी दयाल कैसे आए इसमें, कैसे जुड़े, कुछ बताना तो चाहेंगे। बेसिकली 2018 में हमने, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं टीवी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी काम करता हूँ, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, तो जितने टीवी एड्स होते हैं, जिंगल्स होते हैं, मैं वो कंपोज करता हूँ। तो हमने एक एड प्रोजेक्ट के लिए बेनी से गवाया था एक गाना, तो वहाँ हम पहली बार मिले प्रोफेशनली, और बहुत आधा एक घंटा बस वो आए, उन्होंने गाया, मेरा नंबर लिया और वो चले गए। एंड देन हम लोग फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे टच में थे, और तो मैं अक्सर ना अपने स्टूडियो में जैम करते हुए, कभी कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए, व्हाट्सएप स्टोरीज पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्लिप्स डालते रहता हूँ, तो बेनी वो हमेशा देखकर लाइक करते थे। तो बेनी ने मुझे एक दिन मैसेज किया कि ब्रो, वी शुड कोलैबोरेट। तो मैंने कहा कि यार, मे बी ये ऐसे ही खुश मजाक करने कर के रहे लिए बोल हैं। रहे हैं, लेकिन ही इज नॉट वेरी सीरियस। तो मैं बहुत थोड़ा सा नर्वस था, तो मैंने उनको वाकई में पूछा कि बेनी, आर यू वेरी सीरियस, क्या हम कर रहे हैं? लेकिन या ब्रो, आई एम वेरी सीरियस, उन्हें करना है। आई सेड चलो ग्रेट। तो तब मुझे लगा कि यार चलो, ये वाकई हो रहा है, एंड मैंने बिलीव किया इस बात को। एंड देन आई सेंट हिम अ सॉन्ग, मैंने उनको एक गाना भेजा पहले जो कि उनको बड़ा पसंद आया। तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि बेनी, ये पूरा आपका स्टाइल है, ये पूरा आपका जोन, करना चाहते हो आप ये? तो पता नहीं उनके दिल में क्या बात है, उन्होंने कहा कि यार राजीव, एक उन्होंने मेरी तारीफ करते हुए कहा कि यार, तू बड़ा अच्छा म्यूजिक बनाता है, मैं तेरे से एक और ऑप्शन सुनना चाहूंगा, एक दिल की तसल्ली के लिए, इफ यू डोंट माइंड। तो मैंने कहा कि यार व्हाई नॉट, क्योंकि हम तो रोज ही बनाते हैं, रोज ही काम करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम दूसरा बना लेते हैं। और मैं इस चीज को ना बहुत एक डेस्टिनी का इशारा समझता हूँ हमेशा। मैं ये नहीं सोचता कि अरे यार, शायद मेरा गाना इनको पसंद नहीं आया, शायद ये बहुत चूजी हो रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि अगर इनके दिल में कोई बात आई है तो उसका शायद कुछ मतलब होगा। तो मैंने खैर 2-3 दिन का टाइम लिया मैंने, और मैं जब गाना बनाने बैठा तो उस वक्त जो लॉकडाउन को लेकर मेरे मन में जो सिचुएशन चल रही थी, जो मेरा मूड चल रहा था, मैंने उसको पेन डाउन कर दिया। मैंने कहा कि यार, हम सब परेशान है कि यार कहीं कोविड ना हो जाए, यार काम कब चालू होगा, पैसे कब आएंगे क्या? तो मैंने जी सोचा कि यार, हमको हमारे घर वालों के लिए मुस्कुराना है, घर पे माँ बहन, बच्चे, फैमिली, डैडी हैं, जो भी है, सब जो अक्सर जिंदगी में सबके परिवार होता है। तो मैंने सोचा कि यार, हम सबको उनके लिए मुस्कुराना है, उनके लिए जीना है, तो बस उसी वो लाइन में लिखते गया और वो फ्लो होते गया कि सुबह शाम क्या वही बात, जिंदगी हो जाए कुछ नया, जैसी भी हो तेरी जिंदगी, तू इजी हो जरा, और मैंने उसको बहुत ही कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज में मैंने उसको लिखा, ताकि हर एक इंसान, हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा आदमी उससे रिलेट कर सके। तो जब मैंने इनको अपनी आवाज में गा के, म्यूजिक बनाकर सब, मैंने उनको पूरा रेडी प्रोडक्ट भेजा, और उनका सुनते ही मुझे 5 मिनट में मैसेज आया कि ब्रो, दिस इज इट, ये गाना हमको करना है। क्या बात, क्या बात, सो ये वैसे शुरुआत हुई इस चीज की। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि ये गाना बहुत पसंद किया जा रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, और बिल्कुल हिट्स पे हिट्स मिल रहे हैं।
तो मुझे बताना चाहेंगे राजीव, उसके बाद इस गाने को जब पहला जो इसका जब आपने इसे अपलोड किया तो हमने देखा कि ग्राफिक में नजर आ रहे थे, आप भी नजर आए ग्राफिक में, बेनी दयाल नजर आए। उसके बाद सेकंड वर्जन भी निकाला गया उसका, जिसमें बहुत सारे सिंगर्स जो है वो हम सबको मोटिवेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कैसे वीडियो बनाकर इस तरह से कुछ करना चाहिए, ये कैसे प्लान आया? तो जैसा आपने कहा कि मैंने ना इस लॉकडाउन के थ्रू, जब से लॉकडाउन चालू हुआ तो मैंने अपने बचपन के शौक को, जो कि मेरा था ड्राइंग करना, स्केचिंग करना, तो मैंने उसको फिर जागरूक किया। मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा टेंशन को माइंड डाइवर्ट करते हुए कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो मैंने शुरू किया वो डिजिटल टैबलेट से ड्राइंग करना, डिजिटल पेंटिंग्स करना चालू किए। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट इसको हम अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं, इस ग्राफिक्स को, एंड हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग मैं पहले से थोड़ा जानता था, मैं प्रैक्टिस करता रहता था, बट मैंने सोचा चलो ठीक है इसको ये ट्राई करते हैं। तो मैंने बेनी को बोला कि बेनी आई एम ट्राइंग समथिंग, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने वो मुझे 10-12 दिन लगाए, मैंने ऑनलाइन कोर्सेज ले लिए, मैंने फटाफट ऑन द फ्लाई सीखा कैसे क्या करना है, एनिमेट कैसे करना है। तो जब मैंने बेनी को वो भेजा तो बेनी लाइक दिल से बहुत खुश हुआ, उसने कहा कि डन ये वीडियो डाल दो फटाफट। तो हमने वो गाना रिलीज किया एंड उसको वी गॉट वेरी सो मच ऑफ लव ऑन द सॉन्ग। एंड तो बेनी इस दौरान यूएस चले गए थे गाने के रिलीज के वक्त, तो उन्होंने यूएस में गाड़ी में ट्रैवल करते हुए उन्होंने ना सेल्फी वीडियो ऐसा गाते हुए डाला इंस्टाग्राम पे। तो मैंने कहा बेनी ये इतना अच्छा लग रहा है हमको, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करके उनके क्लिप्स मंगवाते हैं और उससे एक वीडियो बनाते हैं। तो अब मुझे क्या पता था कि बेनी मुझे सरप्राइज करते रहेंगे, फ्रेंड्स और फैमिली के नाम पे जगह पर वो इतने बड़े सेलिब्रिटीज ले आएंगे। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने सिंगर्स, जो उनका ग्रुप है व्हाट्सएप पर, जो उनके दोस्त हैं, उन्होंने सबको मैसेज कर दिया गाने के साथ। तो और सबने उनको, बेनी को तुरंत रिप्लाई किया कि यार बड़ा मस्त गाना है, बहुत अच्छा है। तो बेनी ने कहा कि यार अगर अच्छा लगा वाकई में तो आप एक 30 सेकंड का क्लिप बनाकर भेज दो, तो ताकि हम उसको सेलिब्रेट कर सकें उस गाने को। तो आप मानोगे नहीं कि मुझे बेनी वो हफ्ता, पूरा हफ्ता हर दिन सरप्राइज करता रहा कि राजीव गेस व्हाट, आज कौन भेज रहा है, अरमान मलिक भेज रहा है, राजीव अरे आज वाह, आदित्य नारायण का वीडियो आ रहा है, राजीव आज विशाल ददलानी भेज रहा है। तो मैं सरप्राइज पे सरप्राइज होता गया एंड आई वाज वेरी वेरी थैंकफुल टू बेनी एंड गॉड, कि इतना अच्छे से प्यार मिल रहा है। और आप देखेंगे वीडियो में कि सबने बहुत खुल के दिल से परफॉर्म किया है इस पर, बिना एक बिल्कुल होता ना कि देखो कई बार फ्रेंड्स फैमिली कर भी देते हैं, बट क्या होता है कि ये सारे बड़े म्यूजिक सेलिब्रिटीज हैं, इन सब के अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इन सब के अपने गाने रिलीज हो रहे हैं, उसके बावजूद इन्होंने इस चीज को इतना प्यार दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने प्यार हम लोग के लिए दिया है, वो तो दिया ही है, बट उन्होंने एक्चुअली प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है वो थॉट को कि इस पल में खुल के जी लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सो आई बिल्कुल सही थिंक बात आपने कही है। और इसीलिए इसीलिए ये गाना जो है इतने लोगों को पसंद आ रहा है और बहुत ही दिल के, सभी के दिल को छू रहा है और मोटिवेट भी कर रहा है कि हमें हर पल जीने की कोशिश करनी चाहिए चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। राजीव, मैं आपके बारे में, हम सब जानते हैं कि आपने कमर्शियल्स, इतने सारे कमर्शियल्स में म्यूजिक किए हैं, इतने सारे कमर्शियल्स को आपने आपने एक जान डाली है उनमें। तो अगर मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँ, थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें, बचपन से क्या म्यूजिक से आप जुड़े हुए थे? क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आपको आते हैं, म्यूजिक लेकर आप सुबह शाम सोचते हैं, तो ये शुरुआत कैसे हुई थी? बचपन से ही म्यूजिक में ज्यादा ध्यान था? हाँ, मैं 5th स्टैंडर्ड में था जब मैं फुटबॉल लेकर घर पे रात को खाना खा रहा था अपने मम्मी के हाथ से, और टीवी पर चल रहा था लग्जी सिने अवार्ड्स। तो उसमें उस टाइम पर हमारे इंटरनेशनल पड़ोसी देश से बैंड आए हुए थे जुनून, तो वो जो उनका सयोनी गाना वो टीवी पे परफॉर्म कर रहे थे वो लोग। बस मैंने उनके वो लंबे बाल और गिटार और वो सूफी म्यूजिक जो सुना, मैंने मुझे मैं उसी रात चालू हो गया, मम्मी मुझे गिटार चाहिए, डैडी मुझे गिटार ला कर दो, मुझे चाहिए मुझे क्या चाहिए। बात, बस वो गाना सुनते ही कुछ ऐसा हुआ कि खैर हफ्ते 10 दिन के अंदर मॉम डैड ने जुगाड़ करके मुझे गिटार ला कर दिया, एंड वहां से फिर मैं बस प्ले करना चालू हो गया, थोड़ा सेल्फ लर्निंग की, फिर टीचर्स सीखना शुरू किया मैंने। तो शुरू एक्चुअली ये वहां से हुआ, एंड देन फिर बाय द टाइम आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड, उस वक्त मैंने अपने कॉलोनी के बच्चों को थोड़ा सा गिटार सिखाना चालू कर दिया था बच्चों को, सो दैट ताकि थोड़ा सा मैं सीखूं भी और सिखाते हुए भी सीखूं,
यू नो, और मुझे ये था कि मुझे कन्विंस करना था अपने घर पे कि मुझे एज अ प्रोफेशन म्यूजिक करना है, यू नो. हालांकि मॉम मेरी हमेशा बहुत सपोर्टिव रही है, बट डैडी थोड़ा सा जो होता है ना फादर की, नहीं नहीं पढ़ाई कंप्लीट करनी है, ये करना है, वो करना है. सो तो जब मैंने सिखाना शुरू किया तो साल भर में मेरे पास 30-35 स्टूडेंट्स थे कॉलोनी के आसपास के बिल्डिंग्स के. तो डैड एंड बीइंग अ पंजाबी फादर, डैड को लगा कि हाँ यार, अगर ये इस उम्र में जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाने लग गया है, इतना कॉन्फिडेंस है, तो चलो आगे कुछ ना कुछ कर लेगा जिंदगी में अपना, यू नो, कर लेगा. तो ये शुरुआत वैसे हुई फिर. बिल्कुल बिल्कुल. उसके बाद आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं और हमने वो देखा है और हम सब ने पसंद किया है. तो राजीव, मुझे बताना चाहेंगे ये लॉकडाउन का पीरियड गया, अब न्यू नॉर्मल का समय जो जा रहा है, इसमें आप जैसे अच्छे म्यूजिक कंपोजर, आप जैसे अच्छे, आपने इतना अच्छा गाना भी लिख दिया और फिर आपके अच्छे दोस्त है बेनी दयाल ने गाने को गा दिया, तो क्या हम कह सकते हैं कि अब ये न्यू नॉर्मल का एक हिस्सा बन गया है? लोग अब इस तरह से इंडिपेंडेंट म्यूजिक और ज्यादा हम देख पाएंगे, लोगों को अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है दूसरों की, आप खुद ही गाने बनाकर खुद ही उसे लॉन्च कर सकते हैं, ये एक नया न्यू नॉर्मल रहेगा, आपको क्या लगता है सर? ये पूरा न्यू नॉर्मल है और ये न्यू नॉर्मल बहुत टाइम से अवेटेड था. मतलब ये बात चक्कर सिर्फ कोविड का नहीं है, अगर ये कोविड नहीं भी होता तभी भी हम इस दिशा में जा ही रहे थे सब, कि यू नो, कि हम बॉलीवुड का वेट ना करें, कि हम बड़े म्यूजिक कंपनी का वेट ना करें, क्योंकि ऐसे तो उम्र बीत जाएगी और यू नो हम बैठे रह जाएंगे इसी उम्मीद में कि कल को कोई आएगा और हमको बड़ा स्टार बना देगा. तो और टेक्नोलॉजी का फायदा लेना भी चाहिए. आज आप घर बैठे गाना बनाते हो, आप घर बैठे गाना खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हो, यू नो, खुद सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप गाना अपना पहुंचाते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में. सो अब वो मसला रहा ही नहीं कि आप यूपी में हो या आप बंगाल में हो या बंबई में हो या साउथ में हो, आप किसी भी छोटे से छोटे शहर में भी हो, आप वहां बैठे बैठे एक चार्ट बस्टर हिट पहुंचा सकते हो गाना. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. तो राजीव, व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? इसके बाद आपने क्या प्लान किया है? हम और भी इस तरह के गाने पाएंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स में आपको देख पाएंगे, कुछ आपने प्लान किया है सर? यस, इनफैक्ट बेनी के साथ ही अगले हफ्ते ही गाना आ रहा है एक, एंड उसके अलावा इंडी प्रोजेक्ट्स काफी हैं. नीति मोहन जी के साथ एक गाना आ रहा है बहुत अच्छा, एंड शेफाली अलवारिस के साथ एक गाना आ रहा है. तो ये सब बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और यू नो बहुत ही ओपन माइंडेड आर्टिस्ट हैं. And I'm glad कि मुझे इनके साथ collaborate करने का मौका मिल रहा है. And apart from this, of course, कुछ मेरे Bollywood projects जो ongoing चल रहे हैं, जो next year तक release होंगे, you know. So I need your wishes and आपके listeners की भी wishes चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में अच्छा काम बाहर आए और काफी मेहनत कर रहे हैं हम, तो बस आशीर्वाद चाहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल राजीव, इसी तरह से आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े रहिए, हम सबके साथ आप ऐसे ही हम सबको एंटरटेन करते रहिए. लेकिन जब आपको हमने पाया है और आपके पार्टनर की बातें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. फ्यू वर्ड्स फॉर बेनी दयाल. बेनी इज अ ट्रू रॉकस्टार. ओके, एंड सबसे बड़ी बात बेनी की ये है, जो बेनी के फैंस अगर सुन रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि बेनी में जो कहते हैं ना कि ग्राउंड डाउन टू अर्थ, जो एक टर्म यूज करते हैं हम, कि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, वो हालांकि इतने स्टाइलिश हैं, वो इतने कूल हैं, बट वो अंदर से उतने ही जुड़े हैं जमीन से, यू नो. उनमें जरा सा भी ये आप नहीं देखेंगे कि मैं बेनी दयाल हूं और मुझे ऐसा चाहिए या मुझे वैसा चाहिए, यू नो. तो ये आई थिंक बहुत अच्छी बात है उनके बारे में. एंड वो मैं जितना उनसे बात करता हूँ, जितना मैं उनको जाना हूँ अभी तक, वो रोज सुबह उठ के जब भी हम बात करते हैं, वो यही कहते हैं कि यार मैं राजीव रोज सुबह उठता हूँ और मैं यही कहता हूँ खुद से कि मुझे कुछ नहीं आता और मुझे सीखना है. सो आई थिंक दिस इज व्हाट, यही चीज बेनी को बेनी दयाल बनाता है. एंड हम सब भी उनसे बहुत सीखते हैं. मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ शुरू से, और या ही इज अमेजिंग यार, ही इज अमेजिंग. बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छे दोस्त की यही पहचान होती है, एक अच्छे इंसान की यही पहचान होती है, वो हमेशा से ही जमीन से जो है वो जुड़ा रहता है. राजीव, जाते जाते अपने फैन से कुछ कहते जाइए, जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं फ्रेंड्स एफएम में, कोलकाता में सुन रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेज आएगा? जीतने के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, कहना चाहेंगे? तो एवरीबॉडी इन कोलकाता, कम ऑन टू मी. मुझे ज्यादा बंगाली आती नहीं है, बट आपने बहुत सही कहा, आपका खूब भालो है जी, खूब भालो है जी, खूब भालो, खूब भालो, आमी खूब दारुन. तो मैं यही कहूंगा कि गाइज,
आप प्लीज अगर वक्त मिले तो आप मेरे प्रोफाइल सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम या फेसबुक या स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, जो भी आप सुनते हैं, आप प्लीज आके हमारा म्यूजिक सुनिए और इंडिपेंडेंट म्यूजिक को सपोर्ट करें. एंड बाकी यही है कि जियो इस पल को, यू नो, ज्यादा नहीं सोचना, देने वाला ऊपर वाला है, तो अगर अगर दुख भी दिया है तो सुख भी वही देगा. तो इसी के साथ मैं कहूंगा कि तेरी जिंदगी का तू रॉकस्टार, तुझसा कोई ना, सिचुएशन जो भी है, किसी को अब क्या पता, जी ले जी ले इस पल में तू खुल के जी ले. That's it. मैसेज यही है. बात है, क्या बात, क्या बात है. थैंक यू सो मच राजीव फ्रेंड्स एफएम को समय देने के लिए. बहुत ही प्यारा सा गाना है और बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बातें करके. इस गाने को हम फ्रेंड्स एफएम पर भी प्ले करेंगे क्योंकि ये गाना हम सबको मोटिवेट कर रहा है. ये सब गाना यही बताता है कि समय खराब है लेकिन हमें जीना है और हर रात के बाद सुबह होती है और सब कुछ धीरे धीरे करके नॉर्मल होगा. थैंक यू सो मच राजीव, ऑल द बेस्ट. थैंक यू द बेस्ट, ऐसे ही हम सबको एंटरटेन करते रहिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू, गॉड ब्लेस. थैंक यू सो मच. हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर राजीव वी भाटिया भल्ला, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी बिल्कुल लाइव ऑन 91.9 फ्रेंड्स एफएम. और बहुत कुछ हमें जानने को मिला उनके बारे में, जिले के बारे में हमने जाना. और बता दूं ये गाना बहुत ही प्यारा सा है. आपने अभी अगर तक नहीं देखा, नहीं सुना है तो आप जा सकते हैं, इस गाने को चेक कर सकते हैं. राजीव वी भल्ला के फेसबुक प्रोफाइल पे भी आपको ये गाना जो है वो मिल जाएगा. जाइए इस गाने को सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा. थैंक यू सो मच. अभी के लिए बस इतना ही. टेक केयर एंड